तो रिव्यू करेंगे इस वीडियो में क्लीन एडी जेल के बारे में। भाई क्या है, कहाँ चलती है, किस तरह से काम करती है, साइड इफेक्ट क्या करती है, सावधानी क्या है, इसकी डोज क्या है, कितनी बार लगाएं, सब कुछ जानेंगे। सो देखिएगा, देखिए क्लीन एडी जेल यूनिमर कंपनी का ब्रांड है, यूनिमर कंपनी बनाती है, दवाई की दुकान पर मिलती है। देखिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, सेल्फ यूज नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। काफ़ी सारे अल्टरनेटिव ब्रांड भी आते हैं इस सोल्ट में, जैसे कि फेस क्लीन एटी आती है, अबट कंपनी की काफ़ी फेमस है, मिल सकती है। क्लीन डेक एपी आती है, एलकेम कंपनी की, नीलेक एच आती है, माइक्रो कंपनी का। दोस्तों अल्टरनेटिव ब्रांड जाना जरूरी होता है, कई बार आपको जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए उस नाम से नहीं मिलती, तो आप सेम सब्सटीट्यूट में इस नाम से भी दवाई की दुकान पर ले सकते हैं, कोई ना कोई मिल जाती है। बात करें भाई क्या है, कहाँ चलती है, तो देखिए कई बार फेस की स्किन के ऊपर बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है, बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, जिनके कारण स्किन खराब रहती है, सोयलिंग रहती है, रेडनेस आ जाती है, और दोस्तों पिंपल्स वगैरह होने लगते हैं, कील मुहासे बनने लगते हैं, जिससे कि स्किन बहुत ज़्यादा खराब रहती है, छोटे छोटे दाग धब्बे हो जाते हैं, निशान भी पड़ जाते हैं। वहाँ पर फिर स्किन स्पेशलिस्ट इसे देते हैं लगाने के लिए। किस तरह से काम करती है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, तो देखिए इसके अंदर आते हैं दो कंटेंट, दो सोल्ट। पहला है क्लिंडामाइसिन 1%, दूसरा है एडाप्लिन 0.1%। दोस्तों क्लिंडामाइसिन एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया को खत्म करता है, उनकी ग्रोथ को आगे नहीं बढ़ने देता, ठीक है, ग्रोथ कम हो जाती है, जिससे आगे प्रॉब्लम ठीक हो जाए। दूसरा दोस्तों एडाप्लिन, एडाप्लिन एक विटामिन ए का एक फॉर्म है, विटामिन ए का ही एक डेरिवेटिव है, जो कि ज़्यादा ऑयलिंग अगर प्रॉब्लम है, ज़्यादा ऑयल बन रहा है, जिसके कारण पोरस जो छिद्र होते हैं बंद हो गए हैं, तो उनको खोलने के लिए ये काम करता है, साथ ही साथ ज़्यादा ऑयलिंग को भी कंट्रोल करता है, ऑयल बैलेंस करता है, तो इस तरह से काम करता है, निशान को भी हटाता है और न्यू सेल्स बनाने में मदद करता है, ग्लो देता है स्किन को, इसलिए साथ में दिया जाता है। बात करें भाई किस तरह से लगाई जाती है, तो देखिए ये दिन में 2 बार लगाई जाती है, सुबह शाम। लगाने से पहले चेहरे को अच्छी तरह से धोना है, सूखने के बाद आप हल्के हाथों से लगा सकते हैं, पूरे चेहरे पर नहीं लगाना है, जितने चेहरे पर प्रॉब्लम है उतने ही एरिया में ये लगानी है, बाकी सेफ एरिया में नहीं लगानी है। साइड इफेक्ट जाने तो थोड़ी बहुत कर सकती है, जैसे कि जलन होना, पपड़ी बनना, इचिंग चलना, कील मुहासे बढ़ जाना, ये इसके साइड इफेक्ट जो रेयर है, हर किसी को नहीं होते, घबराने की बात नहीं। सावधानी की बात करें तो थोड़ी बहुत है, जैसे कि आप सेल्फ यूज़ नहीं करना है इस चीज़ का, चेहरा खराब हो सकता है अगर सेल्फ यूज़ करोगे तो, डॉक्टर की सलाह जरूरी है, प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट फीडिंग में डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। दोस्तों अगर कोई मेजर साइड इफेक्ट हो, जैसे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा खराब हो गई हो, लाल हो गई हो, तो तुरंत इसका यूज़ करना बंद कर दीजिएगा, हाथ को अच्छी तरह से धोएगा लगाने के बाद, डॉक्टर को जरूर बताइएगा। संपूर्ण रिव्यू था, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कुछ भी सुनने लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।